नमस्कार, मैं हूँ योगिता। आपके अपने प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने में, और कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने की। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जो हैं वो हमें कई तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। फिर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नमस्कार। सो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया कि जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जो ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर ही हैं, जो राशियां हैं, जो राशिफल 12 राशियां हैं और उनके साथ जो ग्रह कनेक्टेड हैं वो हमारे शरीर के अंदर हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे शरीर के अंदर हैं और ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं। बहुत अच्छा पूछा आपने योगिता जी कि ये जो राशियाँ हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ हैं। हाँ, मैंने पहले कहा था, जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। ये जो जितने ग्रह नक्षत्र तंद तारे सितारे सब हमारे भीतर ही हैं। चलो शुरुआत करता हूँ मेष राशि से, क्योंकि मेष राशि हमारी पहली राशि है और सूर्य भी मेष राशि में उच्च के होते हैं। चलो उच्च की नीच की बात तो बाद में आती है, पहले मैं, योगिता ने बहुत अच्छा आज क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि ये जो ग्रह नक्षत्र सब हमारे भीतर ही हैं। आज इन्होंने पूछा जी अगर हमारे भीतर हैं तो कहाँ कहाँ हैं, हमें बताइए। जो किताबों में लिखा है वो तो बहुत कम लिखा है, लेकिन मैं किताबी बातें नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि किताबें पढ़ के तो हर कोई इंसान जान सकता है हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं किताबी बातें कभी नहीं करता। मैं किताबों से ऊपर उठने की कोशिश करता हूँ। मेष राशि, तीन राशियाँ हैं हमारी अग्नि, तीन राशियां हैं हमारी पृथ्वी, तीन राशियां हैं हमारी जल, तीन राशियां हैं हमारी वायु। तीन तीन राशियां यानी कि 12 राशियां हैं हमारे शरीर के भीतर। पहले मैं आपको तीन राशियां अग्नि हैं उनके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये बातें किताबों में कभी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन आज योगिता जी ने पूछा दोबारा से, मैं फिर से चाहता हूँ कि आपको डिटेल में समझाऊँ कि हमारी राशियाँ कहाँ कहाँ हैं। तीन राशियाँ हमारी अग्नि हैं, मेष, सिंह और धनु राशि। ये तीन राशियाँ हैं वो हमारी अग्नि राशियाँ, वो कहाँ कहाँ हैं पहले मैं बता दूँ। अग्नि राशियाँ, तीन अग्नि राशियाँ, तीन ही अग्नि बाहर है, तीन ही अग्नि हमारे भीतर हैं। कौन कौन सी अग्नि? एक जलाने वाली अग्नि जो जलाकर राख कर देती है, वो है मंगल की अग्नि। वो हमारे मित्र कहाँ है बता दूं। जो भी जैसे कि जंगल को आग लग जाए, राख हो जाते हैं सब, पेड़ पौधे पत्तियां सब जलकर राख बन जाते हैं, भस्म बन जाती है, वो मंगल की अग्नि होती है। भाई हमारे शरीर में कहाँ है पता है आपको? नहीं पता, चलो बता ही देता हूँ। जो मुख में हमारी अग्नि है वो मंगल की अग्नि है। हम कितना कुछ खाए जा रहे हैं, ट्रकों के ट्रक भर के हमने रोटियां के खा ले, वो कहाँ गए? अग्नि भस्म कर रही है। हमारे शरीर के भीतर जो पाचन क्रिया है ना, जो पित्ता है ना, उसके बीच में एक रस निकलता है, वो रस तेजाबी रस होता है, वो हमारे खाने को मिक्स करता है और गलने में क्षमता करता है। हमारे शरीर का जितना भी खाना होता है गल जाता है। ये राशि होती है मंगल की राशि, हमारे मुख में है। और मेष राशि ही मंगल की राशि होती है, हमारे शरीर में कहाँ बताई गई है? और किताबों में बताया गया है कि जो मंगल की राशि है वो हमारे मस्तक की राशि होती है, यानी कि मस्तक का जो भाग होता है वो मेष राशि का होता है। देखिए मंगल की अग्नि जो होती है हमारे मुख में है, जो उसका भाग बताया गया है वो मस्तिष्क का भाग है। लेकिन मंगल की राशि कौन सी होती है? जलाने वाली। मंगल जहां पर भी बैठता है उसको जलाता है, जहां पर देखता है उसको जलाता है। यानी कि मंगल जिस घर में बैठता है वो उसको नाश करता है, और जिस घर में देखता है उसका नाश करता है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, दूसरी अग्नि राशि होती है सिंह राशि। अब सिंह राशि, अग्नि राशि प्रकृति में पहले मैं बताता हूँ वो कहाँ है। जो सूर्य देवता है वो सिंह राशि है। जो आग तो है लेकिन वो कहते हैं उसका ताप आता है, जो जीवन दान देती है, वो अग्नि हमारे भीतर कहाँ है भाई बताइए अब। लेकिन हमारे भीतर भी तो अग्नि है, हमारा शरीर गर्म होता है किस अग्नि की वजह से? वो जो हमारे हृदय में अग्नि जलती है, हमारी आत्मा,
आत्मा का कारक का सूर्य देव है, और इसलिए जो सूर्य देव की अग्नि है वो हमारे भीतर है। और सूर्य देव क्या करते हैं, जीवन दान देते हैं लोगों को। जब वो निकलते हैं, फूल पौधे पत्तियां सब निकलती हैं, और क्या होता है, प्रकृति जागती है। इसी तरीके से हमारे भीतर जो अग्नि है, आत्मा है, हमें जीवन दान देती है। ये सूर्य की अग्नि है, लेकिन इसका शेष भाग कहाँ पे बताया गया है सूर्य की अग्नि का, जो हमारा हृदय है, दिल है, ये सिंह राशि बताई गई है। और आपको ये भी बता दूं, अब आई बात धनु राशि की। अरे भाई, धनु राशि कहाँ पे है, जो ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, अग्नि ज्ञान है, वो कहाँ पे है, जितना भी साधु संत महंत जितने भी ज्ञानी हैं, ये धनु राशि है। लेकिन वो ज्ञान हमारे भीतर कहाँ है, बताइए। अब तीन अग्नियां हैं, ये तो पता नहीं होगा आपको, लेकिन आज बता ही देता हूँ। ये किताबों में कभी नहीं ऐसी बातें मिलेगी। जो मस्तक में अग्नि होती है, ये धनु राशि की अग्नि होती है, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, लेकिन तासीर कम होती है, तासीर ठंडी होती है। इसलिए जो धनु राशि की अग्नि होती है, इसकी रोशनी तो बहुत होती है, लेकिन तासीर ठंडी होती है। तीन अग्नियां हमारे भीतर, तीन अग्नियां ही बाहर। ये मेष, सिंह और धनु तीन राशियां, अग्नि राशियां होती हैं, और तीनों को मैंने बताया हमारी अग्नि राशियां कहाँ कहाँ है। अब बात आई पृथ्वी राशि की, लेकिन पृथ्वी राशि तीन तरह की होती हैं भाई। कौन सी पृथ्वी राशि, अरे भाई तीन तरह की धरती ही होती है। एक बंजर धरती होती है भाई, जिसमें कोई पैदावार नहीं होती, और एक फूलों वाली धरती होती है, जहाँ पे सुनहरी फूल, गुलाब के फूल, वाइट फूल, हर तरह के फूल उगते हैं, पैदावार होती है। और एक हमारी जहाँ पे हम बीज बोते हैं, कनक गेहूँ, तीन तरह की ही अग्नि होती है, और तीन तरह की ही अग्नि हमारे पृथ्वी हमारे भीतर है। और तीन तरह की पृथ्वी ही बार बताई मैंने, एक तो बंजर पृथ्वी। बंजर पृथ्वी कौन सी, हमारा ये तल, जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती, इसलिए जो हमारे कहते हैं पेट के नीचे का तल, उस वहाँ पे कोई भी पैदावार नहीं होती, एक पृथ्वी। वो पृथ्वी कौन सी होती है, मकर राशि। मकर राशि की जो होती है पृथ्वी, वो होती है बंजर जमीन। और एक पृथ्वी होती है हमारी वृष राशि, दो नंबर राशि, जहाँ पे दो नंबर राशि के कहाँ पे है? हमारा ये जो आँखों वाला भाग, ये भाग वहाँ बताया गया है आँखों वाला, ये वृष राशि की पृथ्वी होती है। लेकिन एक पृथ्वी होती है हमारा ये भाग, जहाँ पे कहते हैं नाभि होती है, नाभि जहाँ पे सारा संगठन होता है। अब शरीर में पृथ्वी कहाँ पे भाई, अब मुझे बताइए। पृथ्वी तो पूरी धरती पृथ्वी हम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, लेकिन शरीर में पृथ्वी ऐसे कहाँ से आ सकती है। ये भाग तो मैंने बता दिए, लेकिन साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो हमारी खोपड़ी को किसने रखा हुआ है, पृथ्वी ने। कहाँ जकड़ के रखा, पृथ्वी ने जकड़ के रखा, हमारे मांसपेशियों को जकड़ के रखा हुआ है ये पृथ्वी, गर्दन से ऊपर का भाग। ये दो नंबर राशि वृष राशि आती है, ये हमारी छः नंबर राशि आती है कन्या राशि, जो हमारी टांगों से ऊपर लेकर गर्दन से नीचे वाला भाग, जहाँ पे हमारी सारी प्रक्रिया होती है, ये कन्या राशि की प्रवृत्ति होती है। और मकर राशि की प्रवृत्ति नीचे वाला भाग, जहाँ पे कुछ नहीं पैदावार होती। देखिए, तीन तरह की प्रवृत्ति बाहर है, और तीन तरह की ही प्रवृत्ति हमारे अंदर है। कौन कौन सी प्रवृत्ति मैंने बताई, अभी बताया, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब भाई बात वायु राशि की भाई, अब तीन ही वायु बाहर है, तीन तरह की हवा बाहर है, और तीन तरह की ही हवा हमारे भीतर है। और कौन कौन सी वायु बाहर है भाई, अब वायु आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि कौन सी होती है, पहले आपको ये बता दूँ, जो हम सांस लेकर बाहर निकालते हैं, यानी कि इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर, जब अंधेरी आती है उसमें हवा आती है, वो मिथुन राशि होती है भाई। पता है, लिखा है किताबों में, ढूंढिए, निकालिए एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी किताबें हैं आपके पास, और दिखाइए कहाँ पे है पृथ्वी, कहाँ पे है वायु जो लिखा हुआ है, कभी नहीं। ये वायु, ये जो मेरी अपनी खोज है, मैं आपके सामने जो पेश करता हूँ, तभी तो हमारे प्रोग्राम का नाम है द सीक्रेट
ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के जितने भी सीक्रेट हैं वो हमारे पास हैं, वो हम आप सबको बताते रहेंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूँ वायु, मिथुन राशि की वायु, वो जो हवा इधर उधर जाती है, कहीं से गंदगी हवा लेकर जाती है फूलों तक, फूलों की हवायु लेकर आती है गंध तक, वो इधर उधर की हवा जब आती है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसी तरीके से वो वायु जो होती है वो मिथुन राशि की ही वायु होती है जो हम बाहर निकालते हैं। अब वायु एक और आ गई, अरे भाई कौन सी वायु, तुला राशि की वायु, क्योंकि तुला राशि वायु की होती है भाई, सात नंबर राशि वो भी वायु की होती है, और वो वायु कौन सी होती है जो फूलों की सुगंध लेकर आती है, जहाँ पे खुशबू ही होती है, वो तुला राशि की वायु होती है भाई। वो कहाँ से, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो तुला राशि है, जो हम बाहर निकालते हैं वो है मिथुन राशि। अब वायु आई एक और राशि, कौन सी वायु, अरे भाई कुंभ राशि की वायु, अरे भाई कुंभ राशि की वायु, 11 नंबर कुंभ राशि की वायु वो हमारे शरीर में कहाँ है, अरे भाई जो हमारे गुप्त अंगों से बाहर निकालते हैं, जो गारा कहते हैं नाले से निकलती है गंदी वायु, वो होती है कुंभ राशि की वायु। तीन तरह की वायु बाहर है, तीन तरह की वायु हमारे भीतर है, अरे भाई यही तो है हमारे सीक्रेट। अब सुनिए, पानी, पानी तीन तरह का ही बाहर है और तीन तरह का पानी ही हमारे भीतर है, अग्नि प्रवृत्ति वायु जल की बारी आ गई। अब जल, जल कहाँ कहाँ पे, अभी तीन तरह का बताइए मुझे, कौन सी किताब में लिखा है हमारे शरीर तीन तरह के जल होता है, बताते हैं भाई। जो हम पानी पीते हैं ये कर्क राशि होती है, चार नंबर राशि ये कर्क राशि होती है, और इसका शेष भाग, चलो भाग तो बाद में बताऊंगा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, पहले मैं आपको चारे राशियों का वर्णन बता दूँ। चारे राशियाँ जो हमारी तीन तीन तरह की, बारह की बारह राशियाँ, वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। अब आती है पानी, जो पानी हम पीते हैं, जो जीवन दान देता है, जिसे कर्क राशि बोलते हैं, माँ की राशि, वो है कर्क राशि, यानी के चार नंबर हमारे भीतर जो पानी पीते हैं जीवन दान देता है, चार नंबर राशि। अब उसके बाद एक और पानी आ जाता है, वो है वृश्चिक राशि, अरे भाई वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि तो बहुत खराब है भाई, वो कौन सा पानी होता है जो हमारे गुप्त अंगों से बाहर पानी निकालते हैं, वो वृश्चिक राशि का पानी होता है, अरे भाई वो तो किसी किताबों में नहीं ऐसी बातें मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं अपने 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सबको। प्रोफेसर साहब ये तो बात हुई राशियों की, बहुत सारी आपने चीज़ें बताई जो मुझे तो पता ही नहीं, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होंगी कि जो राशियाँ हमारे शरीर के अंदर है, जो ब्रह्मांड है वो भी हमारे शरीर के अंदर है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है, हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। ये बात मैं एक और जानना चाहूँगी कि जो राशियाँ हमारे शरीर में कौन कौन सी राशि कहाँ पे है और किस तरह से ये एक इंडिविजुअल की लाइफ को, एक आम आदमी की लाइफ को अफेक्ट करती है। बहुत अच्छा पूछा योग्यता जी आपने कि वो राशियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हैं। चलो पहले तो मैं आप सबको बता दूं, वैसे मैंने मोटा मोटा बताया था लेकिन बारीकी में बताता हूं, जब तक बारीकी में नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा फिर हमारे शो का नाम कैसे साकार होगा। लिखिए सुनिए, और ये किताबों में ऐसी बातें तो मिल जाती हैं लेकिन मैं बारीकी में बताता हूं। मेष राशि हमारे मस्तक में है, मस्तक में ही क्यों, जब सूर्य निकलता है, सूर्य लाली में होता है तो हम उस सूर्य को देखते हैं तो सूर्य उच्च का हो जाता है, ये बात नहीं कभी आपने सुनी होगी, नहीं ना सुनी, सूर्य उच्च का हो जाता है अगर लाली में सूर्य मित्र को देखते, बिल्कुल हो जाता है। मस्तक मेष राशि, मेष राशि में जब हम नंगी आंख से सूर्य को देखते हैं, और लाली में सूर्य कब होता है, जब सूर्य निकलता है दो चार मिनट ही लाली में रहता है, उसके बाद तो देखा ही नहीं जाता, तब सूर्य उच्च का माना जाता है। पता है आपको, जब सूर्य निकलता है लग्न में आता है, लग्न में सूर्य उदय होता है कहाँ, लग्न में, आजकल कहाँ हो रहा है, आजकल हो रहा है मीन राशि में, कहाँ फिर कहाँ होगा तुला राशि में, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, चलो वो तो बात की बात है, धनु राशि में, मीन राशि में, और ये कब कौन से अप्रैल के महीने में मेष राशि में, ये लग्न में होता है, बात की बात है। चलो पहले मैं आप सबको ये समझा दूँ, जब सूर्य निकलता है सूर्य को देखते हो तो मस्तक की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है। पहली राशि हमारी मस्तक की होती है, दूसरी राशि हमारी होती है आँखों की, तीसरी, क्योंकि आँखों
तभी तो कहते हैं शुक्र जिसका अच्छा होता है आंखें सुंदर होती हैं। चलो एक सीक्रेट भी बता दिया आपको, अगर सूर्य शुक्र आपका लग्न में आता है तो लड़का या लड़की दिखने में आकर्षित होते हैं, अगर शुक्र सेकंड हाउस में आता है तो आंखें बहुत सुंदर होती हैं। चलो एक सीक्रेट भी बता दिया जाते जाते आपको मैंने। लेकिन उसके बाद तीन नंबर राशि मिथुन राशि कहाँ पे है भाई? अरे भाई मिथुन राशि जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, बोलने वाली वाणी का कारका जो होता है मिथुन राशि होती है, ये मुख हमारा मिथुन राशि का, बीच में कंधे भी आ जाते हैं, गला भी आ जाता है, क्योंकि कंठ से ही आवाज़ निकलती है, इसलिए ये तीन नंबर राशि आती है भाई। अब चार नंबर राशि हमारे भीतर कहाँ है, कहाँ कौन सा भाग है? अरे भाई चार नंबर राशि ये जो हमारी छाती होती है, ये चार नंबर राशि में आती है। पाँच नंबर राशि मैंने बताया आपका हृदय, छः नंबर राशि से पूरा ब्रह्मांड छः नंबर राशि में छुपा होता है भाई। चलो उसको ब्रिकी में बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता दूं ये नाभि होती है जहां से सभी नसें हमारे शरीर को जाती हैं, ये छः नंबर राशि होती है, प्रवृत्ति तत्व राशि। रात को सोते समय सरसों का तेल इसमें जरूर लगाए ताकि आपकी जितनी भी नसें हों कोई भी खुश्क ना रह जाए। अरे भाई छः नंबर राशि नाभि के ऊपर सरसों का तेल जरूर लगाइए रात को सोते समय। आए भाई बात, सात नंबर राशि यानी कि तुला राशि हमारी नाभि से चार उंगला नीचे, ये जो तुला राशि होती है, तुला राशि का क्या काम होता है? अरे भाई तुला राशि में किडनियाँ हमारी आती हैं, सभी तुला राशि में आती हैं। और अरे भाई वृश्चिक राशि हमारे जो गुप्त अंग होते हैं ये वृश्चिक राशि में आते हैं। अरे भाई वृश्चिक राशि तो क्या कहने। अब भाई धनु राशि की बात, ये जो जांघे होती हैं हमारे ये कहाँ आते हैं? धनु राशि में आते हैं। और उसके बाद मकर राशि, ये जो घुटने होते हैं हमारे ये कहाँ आते हैं? मकर राशि में आते हैं। ये जो पिंडड़ियाँ होती हैं हमारी वो कहाँ आती हैं? कुंभ राशि में आती हैं। अरे भाई पैर मीन राशि में आते हैं। ये तो मैंने बता दिया शरीर में कहाँ कहाँ है और किस किस भाग को कौन कौन सी राशि दी गई है। चलो एक सीक्रेट बताता हूँ ताकि आपको पता चले ये राशियों के पीछे रहस्य क्या है। जब भी कोई भी अंग आपका दर्द करता है समझ लीजिए वो राशि आपकी खराब हो गई, क्योंकि जब तक सीक्रेट ना बता दूँ तो मेरे को भी चैन नहीं मिलता। मान लीजिए सिर दर्द कर रहा है तो मेष राशि आपकी खराब चल रही है भाई, आँखों में दर्द है तो वृष राशि आपकी खराब चल रही है, गला खराब रहता है मिथुन राशि खराब है, दर्द रहता है जोड़ों में तो मिथुन राशि खराब है, तो छाती में दर्द रहता है तो कर्क राशि खराब है भाई, दिल का कोई रोग है तो सिंह राशि खराब है, पेट की कोई प्रॉब्लम है तो कन्या राशि खराब है भाई, पेट के नीचे के भाग में दर्द हो रहा है तो तुला राशि खराब है, गुप्त अंगों से रिलेटिव यूरिन के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो वृश्चिक राशि खराब है भाई, जांघों से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो धनु राशि खराब है। घुटनों की प्रॉब्लम बहुत रहती है हर इंसान को, खासकर बुजुर्गों को, तो उनकी तो मकर राशि खराब ही रहती है जो शनि की होती है। उसका मात्र एक छोटा सा इलाज भी बता देता हूँ, बहुत आसान इलाज है, पीपल के नीचे आठ शनिवार दिया जलाए सरसों के तेल का ताकि आपके घुटने दर्द ना करें। तो फिर जो पिंडड़ियाँ हमारी होती हैं ये कुंभ राशि होती है, जो ज़्यादा चलते हैं जो फूल जाती हैं दर्द करती हैं समझ लीजिए आपकी कुंभ राशि खराब है, अरे भाई पैरों में दर्द रहता है तो मीन राशि खराब है, क्या करना चाहिए? अगर औरतों के पैरों में दर्द रहता है तो बिछुए डालिए, बहुत आसान है। अगर आदमी के पैरों में दर्द रहता है नमक वाले पानी से पैर धो लीजिए, मेरे उपाय तो ऐसे ही होते हैं। चलिए ये तो बात हुई राशियों की जो हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है, हमारे शरीर के अंगों में है, बहुत ही अच्छी चीज़ें, और ये जो कभी नहीं भी सुनी थी वो भी आज चीज़ें पता लग गई। एक बात और, ये भी विचार करते हैं लोग और लोगों का ये कहना भी है कि ये वाली राशि ज़्यादा अच्छी है, ये वाली राशि ज़्यादा लकी है, वो राशि के जो लोग होते हैं उनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, वो लकी नहीं होते, उनका काम ख़राब रहता है, और इनके साथ कुछ कहीं ना कहीं वो कलर्स को भी कनेक्ट कर देते हैं कि ये रंग उनको नहीं पहनना चाहिए, ये रंग उनको नहीं पहनना चाहिए। एक तो ये चीज़ कि कौन सी राशि क्या है और कितनी लकी है किसी के लिए, और उनके साथ वो कलर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। आपने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया योगिता जी, कौन सी राशि लकी है कौन सी राशि अनलकी है।
ऐसा नहीं है, सभी राशियाँ लकी होती हैं, लेकिन वृश्चिक राशि थोड़ी सी खराब होती है। दो तरह की होती है वृश्चिक राशि, हमारे गुप्त अंक की होती है। दो तरह के बंदे होते हैं, एक तो बहुत साधु होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले, जो भगवान को जल्दी पा लेने वाले। एक वृश्चिक राशि होती है जिसमें क्या होता है, गुस्सा होता है, जब तक खाना हजम नहीं होता जब तक वो बहस नहीं लेते, एक वृश्चिक राशि वो होती है। वृश्चिक राशि थोड़ी सी बुरी राशि होती है, इसको थोड़ा ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ख़राब राशि अगर बोला जाए तो वृश्चिक राशि ही होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। आठ नंबर राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, इसलिए इसको खराब माना गया है। लेकिन अगर मैं लकी राशि कहूँ, सबसे लकी राशि तो कौन सी होती है, सबसे लकी राशि कौन होती है, मैं तो श्री रामचंद्र जी का ही बोलूँगा। कहते हैं कर्क राशि सबसे लकी होती है, जो माँ की राशि होती है, जो पूरी दुनिया को अपने भीतर समेट लेती है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, गुंडा हो, लटेरा हो, माँ की गोद में जाके शांत हो जाता है, इसलिए कर्क राशि को ही मैं लकी राशि बोलूँगा। वैसे राशियाँ तो कोई बुरी नहीं हैं, सभी राशियाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर सिरदर्द कर रहा है तो इसका मतलब मेष राशि खराब हो गई। अरे भाई मेष राशि खराब की है तो उसको ठीक कर लीजिए। अरे भाई कोई भी राशि खराब नहीं होती, बस अगर ज़्यादा खराब मानी जाए तो थोड़ी सी वृश्चिक राशि खराब होती है, ज़्यादा लकी मानी जाए तो कर्क राशि लकी होती है। तो इनके साथ जो कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कलर्स क्या, कैसे उनका कनेक्शन है? बहुत अच्छा पूछा आपने, कलर का कॉम्बिनेशन कैसे और किसका, चलो इसका भी मैं आपको बता दूं कौन सी राशि का कौन कौन सा कलर होता है, आपको पता चल जाएगा भी कौन सा कलर हमको पहनना चाहिए या कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए। जो मेष राशि होती है उसका होता है टमाटरी कलर, रेड कलर के होते हैं। जो वृष राशि होती है दो नंबर राशि, उसका होता है वाइट कलर। जो मिथुन राशि होती है उसका होता है जो घिया कलर होता है, सी ग्रीन कलर। और जो कर्क राशि होती है उसका वाइट कलर होता है, कौन सा वाइट, सूती वाइट कलर होता है, जो सफ़ेद। और उसके बाद आ जाती है सिंह राशि, उसका ऑरेंज कलर होता है। भाई सिंह राशि का ऑरेंज कलर, अरे भाई सूर्य ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान से देखिए आप, आपको पता चल जाएगा। और चंद्रमा वाइट कलर का होता है, भाई ध्यान से देखिए राशि का तो क्या बात है, खून हमारा लाल होता है भाई मंगल की राशि, इसलिए समझा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आपका कौन कौन सी। अब भाई बात, जो हमारी पृथ्वी तत्व राशि है कन्या राशि, उसका डार्क ग्रीन कलर होता है। फिर उसके बाद आती है तुला राशि, अरे भाई तुला राशि का वायलेट कलर भी आता है और चमकदार वाइट कलर भी आता है, जिसमें डिज़ाइनिंग होती है, चमकदार कलर होते हैं, जितने भी चमकदार कलर होते हैं वो तुला राशि में आ जाते हैं। अरे भाई उसके बाद आ जाती है वृश्चिक राशि, जिसको हम अच्छा नहीं बोलते। अरे भाई वृश्चिक राशि का कलर जो होता है वो कहते हैं, एक तो होता है टमाटरी कलर, एक रेड आ जाता है थोड़ा सा डार्क में, वो होता है वृश्चिक राशि का कलर। अब भाई बात जी, कहते हैं धनु राशि का कलर, अरे भाई धनु राशि का कलर होता है पीले कलर। पीला कलर जो होता है, जिसको हम साधु कलर डाल देते हैं, बोल देते हैं भाई, वो कलर होता है। उसके बाद आता है मकर राशि, अरे भाई काला, बिल्कुल काला कलर होता है मकर राशि का। फिर उसके बाद आ जाती है कुंभ राशि, जो नीला कलर होता है, जो वो डार्क ब्लू कलर, वो कुंभ राशि का होता है। उसके बाद आ जाती है मीन राशि, मीन राशि का बावा कलर होता है भाई, ये हमारे राशियों के कलर होते हैं। लेकिन अब कलर कौन से नहीं पहनने चाहिए, अब कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए, नीला और काला कलर तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नीला और काला कलर बिल्कुल ना पहनिए। वो क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे ये बताइए। जो सूर्य की रोशनी होती है, जब इसके पीछे लंबी कहानियाँ, कहानी नहीं बताऊँगा, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं। जब शनिदेव तप करने गए थे तो शनिदेव को वरदान मिला था, आप जिसके पास बैठोगे, सूर्य देव जिसके पास बैठते हैं उसको ग्रहण लगाते हैं, लेकिन आपको ग्रहण नहीं लगाओगे, आप सूर्य को ग्रहण लगाओगे। आप सूर्य, जैसे कि सूर्य यहाँ पे, और काला पर्दा यहाँ पे कर दिया जाए, सूर्य दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी हम काले कपड़े पहनते हैं, हमारे भीतर जो आत्मा का कारका सूर्य है, जो हमें तंदुरुस्ती देता है, जो हमें जीवन दान देता है, उसकी रोशनी जब अंदर नहीं जाएगी तो आपका हृदय कमजोर रहेगा, बीमारियां आएंगी। इसलिए काला कपड़ा पहनने से मना करता हूँ, विल पावर कम हो जाती है, बच्चे डरपोक होते हैं। काला कपड़ा पहनने वाले बंदे कभी दलेर नहीं होते भाई।
सुनिए बहुत ध्यान से, लेकिन झगड़ालू जरूर होते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर बहसते हैं और झगड़ते हैं, किसी की बात को समझते नहीं। जो इंसान काला कपड़ा पहनते हैं, काला कपड़ा कभी मत पहनिए। अब सुनिए बात, कौन से कपड़े पहनने चाहिए? हमेशा वाइट कलर पहनना चाहिए, जिससे क्या होता है, चंद्रमा माँ का कलर, मन आपका शांत रहता है। और वाइट कौन सा होता है, अगर आपने थोड़ा सा चमकदार वाइट पहन लिया तो खुशियाँ आती हैं भाई, शुक्र का कलर होता है, इंसान हंसता रहता हो, पैसे आते हैं। क्या बात है, ऐसी बातें सुनते हो आप, यहीं पर ही मिलेगी द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में, ऐसी बातें सुनते रहिए। बहुत आसान है आपका, आपके जीवन को आसान बनाना और सरल बनाना, ऐसे ही बातें आपको बताता रहूँ। प्रोफेसर बहुत ही सही बात बोली कि ऐसी बातें जो हैं इसी शो पर आपको सुनने को मिलेंगी, और लगातार हम आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। और जाते जाते हम ये भी आपको बता दें कि कभी भी कोई भी उपाय खुद से ना करें, हमेशा ही अपनी अपॉइंटमेंट लेके प्रोफेसर साहब से मुलाकात करके उनसे बात करके हमेशा वो उपाय करें, क्योंकि हर एक के लिए हर एक उपाय नहीं होता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, सबके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं। सो आपके नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप इनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।